हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तरी वाला कटहल कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमने कटहल को काट लिया है, साफ छील के इछा लिया है। देन फिर उसको हल्के से तेल में फ्राई कर लिया है, बिल्कुल लाइट से तेल में, ऐसे देखो गाइस, ठीक है। फिर हमने ये प्याज, चार पांच प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, इसका पेस्ट बना के इसको भूना है खूब, बढ़िया से, जब तक इसका ब्राउन रेड कलर ना आ जाए तब तक हमें इसको बस लगने नहीं देना, गुलाबी गुलाबी कलर करना है और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। बस देखिए मेरी राइस को, ये खाने में बहुत यम्मी हुआ। लोग सूखा बनाते हैं, मैं इसको तरी वाला बनाऊंगी। हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, अभी ये मसाला हो जाएगा, फिर हम इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने चार पांच, अपने आपको जितने भी टमाटर डाल रहे हो, 6-7 टमाटर ऐसे पीस लो। बिल्कुल इसको अच्छे से भूनना है, ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, बढ़िया से भून लो। देखो गाइस, हमारा भूनने वाला है, हल्का हल्का लग रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि मसाला भून चुका है काफी हद तक अच्छे से। बस फिर हम ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, ये टमाटर की पीस लेंगे, बस इसमें से हमें मसाले ऐड करने हैं, आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, लाल देगी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी फाइन कलर लाने के लिए, बस यही सब चीज़ें। तो ज़्यादा खास मसाले नहीं हैं, पाँच मिनट तक मंदी आंच पे हम इसको मसाले को मिला के मैं गैस मंदी कर देंगे, लेकिन चिकनाई ना छोड़ें। गैस मंदी कर देनी है, 5 से 10 मिनट तक हमें मंदी रखनी है। जिसे आप मसाला भून चुका है हमारा काफी हद तक, जिसमें हम कटहल ऐड करेंगे। पानी नमक स्वादानुसार जितना आप खाना पसंद करते हो। कुछ नहीं है गाइस, बढ़िया से मसाला भून लो। अभी से 5 से 10 मिनट तक पानी पकने तक
डालेंगे, कुक करेंगे अच्छे से। देर को ये ढक दो। देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे कटहल का। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ी के साथ, चावलों के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत लजीज बना है, मुझे तो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है ये। प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए मुझे कैसा बना है, आप भी ट्राई करो। देखिए ये बन चुका है बिल्कुल अच्छे से, कटहल भी हमारा पक चुका है। देखिए कटहल बिल्कुल पक चुका है। देखो गाइस हमारे मेरे कटहल ने चिकनाई छोड़ दी है पूरी, बस ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसको
देखिए गाइस, मेरा कटहल बन के तैयार है। आप इसे गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं। देखिए गाइस, यमी यमी कटहल। ओके गाइस, बाय।